तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। कि इसमें कहते हैं कि एक कार है और वो कार सर्कुलर पाथ पे चल रही है। तो अगर वो कार सर्कुलर पाथ पे चल रही है जिसकी रेडियस 600 मीटर दिया हुआ है, दिस इज द रेडियस 600 मीटर, और मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन और टेंजेंशियल एक्सलेशन बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हैं। कहते हैं टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन इफ इट इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर यहाँ पर तुम देखोगे t इज इक्वल टू 0 पर, तो इनिशियल स्पीड जो u थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी। तो 54 किलोमीटर, तो 54 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। जो कार यहाँ थी, ये पॉइंट ए था जब टाइम 0 था। तो ये कहते हैं ए से ये पॉइंट बी पर कार जाती है, दिस इज द पॉइंट बी। तो यहाँ पर बी पर जाने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हमें निकालना मेरे भाई, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और ये जो पाथ लेंथ है ए से बी तक जाने में, ये जो पाथ लेंथ है क्वार्टर, तो वो कितना कवर होगा। पूरा पाथ लेंथ 2π r है और ये क्वार्टर है, तो ये पाथ लेंथ x कवर होगा। और इस x की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू वो π r/2 आ जाएगी। ये यहाँ पर x इतना होगा और यहाँ पर x 0 होगा क्योंकि यहाँ से लेंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक्सलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो कि सेंटर की तरफ है, v²/r कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन निकाल लेता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सलेशन को v dv/dx लिख सकता हूँ बड़े आराम से, और यहाँ से v²/r लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v dv/v, और यहाँ से 1/r, और यहाँ से dx लिख सकता हूँ। अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करूँ, तो जब x की वैल्यू 0 थी तो बस उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी। अब यहाँ x की वैल्यू x हो गई और ये वेलोसिटी v हो गई, तो यहाँ से जब डिवाइड लॉग, तो लॉग ए v/15 और ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/r, और ये इसका इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा। अरे भाई, इसका इंटीग्रेशन x होगा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 e की पावर यहाँ से x/r, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ x/r। तो ये जो है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो जब हमें स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पता चल गया, तो मुझे टाइम बड़े आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे पता चल जाएगा मेरे भाई? ए से बी तक टाइम जानने के लिए जब स्पीड भी है, तो इस स्पीड को मैं dx/dt बड़े आराम से लिख सकता हूँ। और यहाँ से स्पीड की वैल्यू है 15 e की पावर x/r की वैल्यू। तो यहाँ से dx/a आ जाएगा 15 e की पावर x/r, और ये आ जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे प्रॉपर लिमिट लगा के, तो देखो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। वैसे तो इसको इंटीग्रेट नहीं, इसको मैं इधर लाऊंगा, इस x को मैं इधर लाऊंगा, तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा e-x/r dx, और यहाँ से इधर बचेगा 15 dt। अब यहाँ से लिमिट की वैल्यू डालो, तो जब मैं प्रॉपर लिमिट यहाँ डालूँगा, जब टाइम 0 था तो पोजीशन कितना था, 0 था। तो जब टाइम t हुआ तो पोजीशन x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी π r/2, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो इसको यहाँ से तुम देखोगे, इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा e-x/r, और यहाँ से -1/r, और ये जो है प्रॉपर लिमिट जाएगा 0 to π r/2, और इधर बचेगा 15 t। तो यहाँ से तुम देखोगे तो इधर आ जाएगा माइनस आर की वैल्यू, इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा e-x की वैल्यू डाल दो, तो x की वैल्यू π r/2,
और यहाँ एक आर पहले से था, और माइनस एक्स की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो आ जाएगा 15t। तो ये आर इधर ऐसे ही रहने दो, आर बाई 15 लिख सकते हो बड़े आराम से, और यहाँ से इस माइनस को अंदर लगाई तो e की पावर 0 1, और माइनस e की पावर आर आर खत्म हो गया, तो ये पाई बाई 2 दैट इज़ द टाइम, यही हमें टाइम चाहिए था। अब आर की वैल्यू कितना है 600, और यह आ जाएगा 15, और ये 1 माइनस e की पावर पाई अप अपॉन 2 दैट इज़ टाइम t, ठीक है। तो ये 15, ये 40 टाइम्स कट जाएगा, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी फाइनली, वो जो टाइम दिखेगा उस टाइम की वैल्यू आ जाएगी 40, और 1 माइनस e की पावर पाई बाई 2। ये दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम। एक क्वार्टर वो उसको जाने में इतना टाइम लगा होगा। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे उन्होंने t दे रखा था, तो t की वैल्यू जो है वो 40 सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल ये साइन है इसकी वैल्यू 40 होगी, तो 40 इसका सोल्यूशन होगा वैल्यू ऑफ टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।